हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक के बारे में। इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अगर आप लोगों के पास है, किसी भी लेवल पे है, या फिर हाल ही में आपने इन्हें फ्रेश बाइंग किया या फ्रेश बाइंग करने से सोच रहे हो, अगर ऑलरेडी अगर आप लोगों के पास आप एवरेज करने से और ऐड करने से सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा आज के दिन कमाल की न्यूज़ आ चुका जो इन तीनों स्टॉक के लिए बहुत ही मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जिनके पास भी ये स्टॉक है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा खासी लॉटरी हो सकता है। जिनके पास स्टॉक है नहीं, वो चाहे तो इस लेवल पे फ्रेश बाय करके चल सकते, तो आगे जाके आपको बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। अगर इस लेवल पे फ्रेश बाय करना है तो कितना और बाय करना और कितने टाइम में आपको कितने रिटर्न मिल सकता है, सारी चीजें मैं डिटेल में लॉजिक के साथ बताऊंगा। तो चले तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तीनों स्टॉक को हम डिटेल में लॉजिक के साथ कंसीडर करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों दीपक नाइट्रेट केमिकल के बारे में। तो दीपक नाइट्रेट केमिकल के इसके रिगार्डिंग में बहुत बार वीडियो बना चुका हूं, आप देख पाएंगे। आज के दिन तो पूरे बाजार में हम अच्छे खासे रैली देखने को मिला, इसमें भी 1.5% की तेजी जो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी है। देन शॉर्ट टाइम वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, 6 मंथ वालों को 31% के करेक्शन देखने को मिल रहा है, 1 साल वालों को, 1 साल भी दोस्तों शॉर्ट टाइम में आता है। किसी भी स्टॉक को ले लोगे या फिर इंडेक्स को भी ले लोगे, आपको 1 साल में नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिलेगा 10%। किन को? जिन्होंने यहाँ पे बाय किया प्रॉब्लम। और अगर आप बॉटम से कैलकुलेट करो, टॉप से लेकर बॉटम तक, तो आपको करेक्शन 40% से भी आपको ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिलेगा। या फिर जिन्होंने रफली बात करना चाहूँगा, जिन्होंने 1 लाख भी लगाया होगा तेजी देख के एकदम टॉप पे, तो जिन्होंने 1 लाख लगाया उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 60,000 बचे, 40,000 उनके लॉसेस में देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ आपको नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम इनको भी हो रहा है। अब आप कहोगे प्रॉब्लम इनको क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको 40% करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनके प्रॉफिट मल्टीबैगर बन चुके थे। जिन्होंने 1900 पे बाय किया और स्टॉक जा चुके थे 3000, यानी कि आप बोल सकते हो 60% के आसपास उनको प्रॉफिट हो रहा था। तो उन्होंने ये सोच के प्रॉफिट बुक नहीं आएगी, क्योंकि स्टॉक जो है 3000 फिर 4000 5000 ऐसे स्टॉक बढ़ते रहेगा और उनके जो कैपिटल है वो और भी मल्टीबैगर होते जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। फिर वो प्रॉफिट में जा चुका है, वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो चुका है 10% के आसपास। तो प्रॉब्लम उनको भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके पास है एक भी शेयर, आपको गलती से भी लॉस में नहीं बेचना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप शॉर्ट टाइम में बाय करोगे किसी भी स्टॉक में तो ही आपको प्रॉब्लम होता है। और 1 साल 6 महीने आप किसी भी स्टॉक में बाय करोगे तो आपको बाइंग प्राइस के नीचे आएगा, आपको थोड़ा बहुत परेशान जरूर करेगा, लेकिन आप थोड़ा सा लंबा खेलोगे जिसे एक्चुअल लॉन्ग टाइम कहते हैं 3 to 5 years। अभी भी दोस्तों 900% और एक बार स्प्लिट बोनस जैसे एक्टिविटी भी मिल चुका है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा लंबा खेलना अगर मार्केट में आता हूँ। शॉर्ट टाइम में 6 महीने दोस्तों 3 महीने भी रिटर्न मिलता है, 100% रिटर्न मिलता है, 6 महीने 1 साल में भी आराम से रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वो रिटर्न जो है आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। और ऐसे जो रिटर्न है जो 3 साल 5 साल वाले रिटर्न होता है वो आपके लाइफ में जरूर चेंजेस लाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के कि उस न्यूज़ कौन सी ऐसी मल्टीबैगर न्यूज़ है और इन स्टॉक में क्या फ़ायदा दे सकता है। और वो न्यूज़ है दोस्तों क्रूड ऑयल से। तो आप देख पाओगे फॉरेन ब्रोकरेज दो दोस्तों सिटी, उन्होंने कहा दोस्तों ऑयल प्राइस, कौन सी ऑयल पर, क्रूड ऑयल की मैं बात करूँ, इस साल तक एंड ऑफ दिस ईयर 65 पर बैरल तक जा सकते हैं। अभी कितने चल रहे हैं 100 के ऊपर, 110 के आसपास आप बोल सकते हो, 65 मतलब बहुत ही मैसिव गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। और 2023 तक दोस्तों लगभग ये 45 पर बैरल तक ये जा सकता है। बहुत ही मल्टीबैगर न्यूज़ है, लेकिन आप लोगों को पता है जो केमिकल कंपनी है, वो केमिकल कंपनी सबसे ज़्यादा उनके जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही बड़ी एक मल्टीबैगर न्यूज़ है, शॉर्ट टाइम में तो नहीं बट इसको लॉन्ग टाइम में आपको 6-7 महीने और 1 साल में आपको बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक में फायदा होते हुए देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। देन इसके आप मैक्सिमम गैप देख पा रहे होंगे 2010 से दोस्तों स्टॉक ने 10,000% के रिटर्न दे चुके, लोगों को अरबपति बना चुके जब से लिस्टिंग हुए। 5 साल में दोस्तों 2000% के रिटर्न मिल रहे थे, स्टॉक करेक्शन होने के बाद, आधा होने के बाद स्टॉक हमें 900% के रिटर्न देखने को मिला। तो प्लीज़ दीपक नाइट्रेट अगर आप लोगों के पास एक भी शेयर आपको लॉस में नहीं बेचना है, फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा और कितना अमाउंट आपको बाय करके चलना है वो भी सारी चीज़ मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले और भी दोनों स्टॉक है उस पर क्या न्यूज़ है वो भी हम कंसिडर कर लेते हैं। देन दूसरा स्टॉक है दोस्तों SRF लिमिटेड, कमाल के स्टॉक है, आप देख पाएंगे आज के दिन भी इसमें नॉर्मल फ्लैट परफॉर्म। देन 5 दिन से स्टॉक ने अच्छे खासे गिरावट दिखाया लगभग 10% के आसपास, देन 6 मंथ में 18% के आसपास, देन 1 साल में 35%। इतने करेक्शन होने के बाद भी, और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा प्रॉब्लम किनको हो रही है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया इस साल में, जिन्होंने बाय किया तो सेम चीज़ है, प्रॉब्लम आपको भी नहीं यहाँ पे भी हो रहा है। जिनको ये प्रॉफिट, जिन्होंने 1500 पे बाय किया और स्टॉक 2780 तक जा चुके थे, उनके प्राइस ऑलमोस्ट 90% बन चुके थे रिटर्न, वो उन्होंने ये सोच के प्रॉफिट बुक नहीं किया, वो प्रॉफिट 90% से 30% हो चुका है। प्रॉब्लम सबको होता है दोस्तों, मुझे भी हो रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा SRF लिमिटेड अगर आप लोगों के पास है, बिंदा स्टॉक है, 5 साल की रिटर्न, सेम चीज़ें दोस्तों घूम फिर के सेम चीज़ें पे आ जाते हैं, बिजनेस और आपके होल्डिंग पीरियड। तो आप देख पा रहे हो 3 to 5 years आप खेलोगे, 1 साल में आराम से रिटर्न मिल जाएगा 35% आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन 35% में आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और 500-600% में आपको 5 साल होल्ड करोगे तो 600% में आपके लाइफ में जरूर चेंजेस आएगा। 1 लाख भी लगाओगे तो 600-6 लाख हो जाएगा। और आपके जो कैपिटल शेयर्स है वो आपको पता है हाल ही में स्प्लिट दे चुके हैं, 2000 से स्टॉक ने 12000 की जर्नी दिखा चुका है, तो बहुत ही मल्टीबैगर आपके शेयर भी हो चुका और आपके कैपिटल भी।
और आप देख पाओगे इसके मैक्सिमम गैप दोस्तों 1,00,000% के भी रिटर्न आप देख पाओगे। और स्टॉक 2019 से स्टार्टिंग हुए तो कितने स्मूथली चलते दोस्तों, बहुत ही कंसिस्टेंसी कंपनी है। बिंदास होल्डकरना, एसआरएफ लिमिटेड, बाय ऑन डिप्स करना। और केमिकल स्टॉक में आप बताओ सबसे पहले आता है पीडीलाइट, जो आपको फेविकॉल तो आपने सुना होगा, उसके बाद एसआरएफ। 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इस लेवल पे बाय ऑन डिप्स करके आप बिंदास चल सकते हो। फ्रेश बाइंग के लिए बताने की जरूरत है, जितने भी गिरावट मिले बस बाय ऑन डिप करके चलना है। एक बार लमसम ऑन गलती से नहीं लगाना, ऐसे भी करके आपको चलना है, बस थोड़ा सा टाइम देना है, तो आपके भी ऐसे आराम से रिटर्न जरूर मिल जाएगा। देन आखिरी और लास्ट स्टॉक है हमारा, इसमें और एक गुड न्यूज आ चुका है दोस्तों, जो आपको पता है जेएम फाइनेंस लिमिटेड होते हैं, उन्होंने एक टारगेट दिया जो कि 2700-2800 के आसपास, जो कि नॉर्मल फॉर्मेट ही है, उनके अपने टारगेट होते हैं। देन आखिरी और लास्ट दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आप देख पाओगे आज के दिन नॉर्मल फ्लैट परफॉर्मेंस, देन 6 मंथ में 33% के करेक्शन। और मैक्सिमम गैप की बात करें 26 मार्च 2021 को लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के हिसाब से 1 साल 2 महीने, अभी भी 52% के रिटर्न। और ये स्टॉक एक मिड कैप स्टॉक है और एक नया कंपनी, तो मैं बताना चाहूँगा जो नया कंपनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि जब भी बाजार में पैनिक फैलता है तो ऐसे कंपनी में सबसे ज़्यादा सेलिंग आता है, क्योंकि पता नहीं ये जो नया कंपनी है दोबारा से कम बैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तीनों के तीनों कमाल के स्टॉक है दोस्तों। ये जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें इतने पोटेंशियल है, इसके मैनेजमेंट इतने स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ऐसा लगता है आगे नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट बन सकता है। आपके 5 साल में ये दीपक नाइट्रेट आप देख पा रहे हैं, 5 साल पहले स्टॉक के प्राइस थे सिर्फ 200 और स्टॉक ने 3,000 का टारगेट दिखा चुका, तो मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है इसके मैनेजमेंट को देख के, इसके रिजल्ट को, बिजनेस को देख के, ये नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट बन सकता है। एसआरएफ लिमिटेड फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, एसआरएफ लिमिटेड, फिर देन दीपक नाइट्रेट, देन आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तीनों स्टॉक में इस लेवल पर बिंदास बाय करके चल सकते हो, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि फास्ट टारगेट आपका सबसे ज्यादा अमाउंट होना चाहिए आपके एसआरएफ लिमिटेड में, कमाल के स्टॉक है, वो भी मल्टीपल रिटर्न देता है। देन नेक्स्ट स्टॉक होना चाहिए आपका दीपक नाइट, देन नेक्स्ट आखिरी स्टॉक होना चाहिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कमाल के स्टॉक है, बिंदास से पे करके आप जा सकते हो। सोचते वीडियो इतना, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इस वीडियो में कोई पॉइंट नहीं चलेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सोचते मिलते ऐसे ही इंडस्ट्री वीडियो के साथ, तब तक के लिए।